ऑल राइट, सो गाइस व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो संडे मॉर्निंग, और संडे मॉर्निंग मतलब आज ब्रेकफास्ट राइड के लिए निकल रहा हूँ। ये राइड मेरे लिए मेडिटेशन के हिसाब से आप बता सकते हो, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैं घाट एंड ऑल में नहीं गया था। जब से गुजरात का सीरीज़ किया हो, तब से किधर भी मैं घाट ऐसा या फिर लोनावाला कोई साइड नहीं गया हूँ। तो आज की राइड हमारी सोलो रहेगी और एक मेडिटेशन राइड रहेगी। तो कुछ नहीं, बस जाएंगे यहाँ से, अभी देखेंगे किधर जाना है लोनावाला भी, उसमें भी बस जाएंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, एंजॉय करेंगे, शूट करेंगे और आ जाएंगे। बस सॉर्टेड राइड रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो चलो, राइड हमारी चालू हो गई है। और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि भाई मस्त सुबह में निकलेंगे, ठंडी मिलेगी, एकदम ठंडा क्लाइमेट रहेगा, बढ़िया। तो अभी से गर्म होने लग गया यार, ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो कोई नहीं, देखते हैं। अभी यहाँ से तो मुंबई से निकल जाएंगे तो एक बार फिर मस्त ठंडा क्लाइमेट मिलना चालू हो जाएगा। मेरे को एकदम न्यू लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कभी राइड करता ही नहीं था, आज मैं राइड कर रहा हूँ। चलो पहले बाइक को एक बार फ्यूल अप करा देते, मतलब राइड का सबसे मेन टेंशन जो रहता है वो चले जाएगा। नॉर्मली ये हमारा मीटिंग पॉइंट रहता था, सब इधर ही मिलते थे और निकले हैं। जैसे संडे राइड रहेगा, संडे आ गया मतलब समझ जाने का राइडर्स तो निकलने ही वाले हैं, सभी राइडर्स लोग का यही मीटर पॉइंट रहता है। आप लोग को बाइक में थोड़ा चेंजेस दिख रहे थे छोटे मोटे, अभी अपग्रेड तो करना चालू कर दिया हूँ। और वो अपग्रेड मैं अभी तक इसलिए पोस्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मॉडिफिकेशन का प्रॉपर एक सीरीज़ ला रहा हूँ मैं, कि RR 310 में मैं क्या क्या मॉड करने वाला हूँ। आगे पूरी हमारी RR 310 जो है ना फुल मॉड होने वाली है, लिटरली मतलब जो सोच के रखा हूँ ना, अगर वैसा मैंने प्रॉपर मॉड और वैसे पार्ट्स मुझे मिल गए ना, तो बाकी ये RR 310 वन एंड ओनली बना दूंगा मैं। तो ये छोटे मोटे पार्ट्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल के जो है ब्लॉक्स बना के रखे, बस वो शेड्यूल अभी तक इसलिए नहीं किए क्योंकि जब मैं प्रॉपर लाइनअप में आ जाऊँगा ना मॉडिफिकेशन के, जब मेरे सब पार्ट्स डिलीवर हो जाएंगे और मैं उनके वीडियो बना लूँगा, तो मैं प्रॉपर एक सीरीज़ कर दूँगा उसकी। तो जो लोग को भी RR 310 में कुछ भी मॉड करना रहेगा ना, तो वो लोग को सब पार्ट्स मिल जाएंगे अवेलेबल। और क्योंकि मैं जो भी पार्ट्स वहाँ पर इंस्टॉल करने वाला हूँ इस बाइक में, वो सभी का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा, तो मतलब आप लोग को भी बाय करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आप लोग भी आराम से बाय कर पाओगे। आगे बने रहो यार, आगे अभी मैं RR 310 के लिए तो बहुत सही चीज़ सोच के रखा हूँ, मज़ा आएगा इसको मॉड करने के लिए। इतना खाली रोड देख के पूरा बोले ना बाइक प्रोवोक करिएगा भाई, अभी खोल मेरे को, तो क्या बोले खोलने का, ऑडियो मार्क्स, गेट सेट गो। मॉर्निंग अभी नींद पूरी खुल गई मेरी। एक टी ब्रेक तो बनता है जो ये इस राइड को चार चांद लगा देगा, एक टी ब्रेक तो बनता है। चलो एक चाय पी लेते हैं।
चाय पी के हो गया, अभी नॉन स्टॉप वाला। राइड पे मतलब बोलते हैं ना, चाय एक कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ है। जब तक चाय ना पियो ना, तब तक नींद और राइड पे आए ऐसा लगता ही नहीं। मेरे को आज तक नहीं समझा मैं इतना जल्दी राइड पे ले निकलता हूँ, मगर मेरे को लेट ही क्यों होता है। जब लॉन्ग राइड पे जाने करेगा तब बाकी मैं बहुत जल्दी निकलता हूँ। बड़े जैसे शॉर्ट राइड, ब्रेकफास्ट राइड हो गए ना, ये सब में मैं कितना भी जल्दी निकलूँ लेट ही होता है मेरे को। हाँ वो एक बात हो सकती है, हाँ पता होता है यार, क्या इतना थोड़ा ही तो जाना है। यही सब चीज़ें तो मिस कर रहा था मैं। नॉर्मल मतलब ये हो रहा था कि जब से गुजरात का राइड किया था ना, उसके बाद मैं कोई भी ऐसे जिसमें मेरे को घाट से कवर करने मिल जाए या फिर नेचर वाला प्लेस, ऐसे कोई भी प्लेस पे जाने नहीं मिल रहा था। राइड भी मेरी जो हो रही थी वो मुंबई टू मुंबई हो रही थी। बहुत मिस कर रहा था ये सब चीज़ों को। और गुजरात के राइड में भी मेरे को घाट एंड ऑल, बस जब मैं यूनिटी से रिटर्न आ रहा था अपना पोपट करवा के, ऑब्वियसली पोपट ही हुआ था वो मेरा गंदा वाला, तब मुझे बस एक घाट मिला था जो कि नाइट में मिला था, तो वो भी हम लोगों ने शूट नहीं किया था। मगर वो घाट भी बहुत डेंजर घाट था, क्योंकि दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई नहीं, बस बड़े बड़े कंटेनर चल रहे और ना लाइट है ना रोड पर ना कुछ। इतना मतलब डेंजरस लग रहा था ना वो भी चीज़। गुजरात के राइड ने एक नया एक्सपीरियंस ही नया दे दिया था। एज़ कम्पेयर टू गोवा राइड, गुजरात की राइड मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग रही थी। बहुत जैसे ही मैंने चौक क्रॉस कर दिया ना, तब से क्लाइमेट मस्त ठंडा हो गया। ये मतलब जो मुंबई में निकलने के टाइम लग रहा था अरे क्या गर्म हो रहा है सुबह सुबह में, वो इधर आके पूरा उल्टा हो गया, मस्त चिल क्लाइमेट हो गया अभी। और ऐसे क्लाइमेट में राइड करने का तो अलग ही मज़ा आती है यार। एक तो लोनावला का रोड, मतलब ये जो कर्व्स है ना यार, लिटरली बहुत मिस किया ये लोग। चलिए अभी हमारा फेवरेट सेक्शन चालू हो गया, खंडाला का घाट। क्या यार इतना मस्त कॉर्नरिंग वाला टर्न है ये। अब बराबर ऐसे टाइमिंग पे अगर गाड़ी रुक जाए ना उधर, अरे आज घाट में इतना ट्रैफिक क्यों इतना सुबह सुबह, वो भी संडे में। पब्लिक को मालूम पड़ गया कि मैं आ रहा हूँ करके। जलवा है हमारा। एक कॉर्नर ठीक से नहीं करने मिल रहा है यार, एक कॉर्नर। अरे क्या मेरा फेवरेट कॉर्नर एक हला दिया मैंने। अरे बाप रे इतने बाइकर, क्या हो गया इधर। अरे गिर गया बेचारा है। गिर गया ये रास्ता। क्या इधर से गिरा क्या वो साइड से गिरा? अरे वो इधर से गिरा, उसको मालूम ही नहीं था टर्न, वो इधर से नीचे ही गिर गया सीधा। तो ठीक है, वो डिवीजन में कंफ्यूज हो गया बेचारा। और उधर साइड में रुकने की वजह से मिट्टी ढीली थी, तो उधर से नीचे स्लिप हो गया सीधा।
लिटरली यार गाइस, राइड करना बहुत सही चीज़ है रे, मगर सेफ्टी और कभी कभी मिस हैपनिंग हो ही जाती है। अभी वो चलो ठीक है कि राइडर को कुछ हुआ नहीं है और बाइक में भी कुछ ज़्यादा सीन नहीं था, बट स्टिल राइड सेफ गाइस। अभी मैक्स टू मैक्स 10 से 15 मिनट का रास्ता बचा है और भूख भी लग रही है यार, 9 बजने आ गया। वैसे अच्छा है डिस्टेंस कवर किया, हम 7:30 बजे निकले थे, आराम से रुक वगैरह करके बोलते ना, रुकते रुकते आए एकदम से, क्योंकि 8:30-9 का टाइम होने आ गया है। ओहो क्या धक्का यार, क्या हवा चल रही है इधर, लिटरली बाइक ऐसा मतलब बोलते हैं झटका मिल रहा है बाइक को। ओ देखो स्वैग देख रहे हो काका, एक हाथ से हाथ गाड़ी खींच रहा है, एक हाथ से फ़ोन पे बात कर रहा है, बाकी रास्ते पे चलने वाली गाड़ियाँ कोई उनको क्या ध्यान देना है, इसको कुछ ध्यान नहीं देना है। इट इज़ आर कामत, और ये है सभी सुपर बाइक्स का लाइनअप। वी आर एट कामत होटल, और ये जो अभी लेट आए रहेंगे ये बाइकर्स का वो लाइनअप है कि जो नॉर्मली सुपर बाइकर्स रहते हैं वो सभी सुबह सुबह भी आके निकल जाते हैं। चलो यार अभी भूख लग चुकी है, बाकी हमारी फ्यूरी क्या दिख रही है। चलो नाश्ता करते फटाफट। थैंक यू, आ गया। चलो हमारा नाश्ता आ गया, और राइट सो नाश्ता करके निकलने का टाइम हो गया। अभी नाश्ता हो गया, मस्त हो गया, और निकलते निकलते एक रॉ मशीन दिखा दो आपको, हेयर इज फायर ब्लेड फुल रॉ, लिटरली मतलब ये बोलते हैं ना, एक क्या ही बोलूँ, एकदम यूनिक है ये फायर ब्लेड। मेरे हिसाब से पुणे वाली आ रहेगी क्योंकि पुणे में ये फायर ब्लेड थी जितना मेरे को पता है, और ये वही है, क्या ही लुक दे रही है देखो, फुल रॉ बीस्ट। आई गेस ये फायर ब्लेड 900cc में आती थी जितना मैं सही रहूँगा तो, हाँ यस ये फायर ब्लेड 900cc में आती थी। बाकी क्या मशीन थी यार ये, लिटरली अभी का फायर ब्लेड और ये वाला फायर ब्लेड टोटली डिफरेंट है, बट इसमें चलाने में मज़ा है, ओनली रॉ पावर। चलो हो गया हमारा संडे राइड, हुआ नहीं अभी तक, अभी रिटर्न जाना है घर पे, बस हो गया खाना नाश्ता वगैरह तो करके हो गया। सो अभी चलो पैकअप करते और निकलते एकदम। ऑलराइट सो नाश्ता वगैरह करके अभी निकल चुके हैं लोनावला से हम अपने घर की ओर, और इधर क्या हवा आ रही है लिटरली, मतलब बोलते हैं ना अभी तो भी कम हो गई है पहले से, जब हम आ रहे थे तब तो क्या ही इधर विंड ब्लास्ट मिल रहा था। ये रोड का तो अलग ही वाइब है, लिटरली अलग वाइब है, मतलब ये जो व्यू है ना बस बीच का, ये नेक्स्ट लेवल है, मतलब हर सीज़न में अलग अलग व्यू मिलता है इधर सेम लोकेशन पे। सो आई गेस अभी इस ब्लॉग को एंड करने का वक्त आ गया है, क्योंकि अभी कुछ प्लान नहीं है, सीधा घर जाना है अभी। और आई होप क्या आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा, क्योंकि मेरे को इस राइड की बहुत ज़रूरत थी, बोलते ना मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था मेडिटेशन वाला काम करने लिया राइड मेरे लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका था ऐसी कोई राइड ही किया नहीं था मैंने, जब से गुजरात से आया था, गुजरात से आने के बाद कोई राइड ऐसे नहीं किया था मैंने, तो ये एक मस्त शॉर्ट एंड सिंपल सा राइड हो गया मेरा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा, अगर आपको पता है अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक अपडेट दिया था कि अभी आने वाले सीरीज़ में बाइक का मॉडिफिकेशन आप लोग को देखने मिलेगा, तो मैं आराधने में फुल मॉड करने वाला हूँ, जितना पॉसिबल हो सके और जितना सूटेबल और यूज़फुल मॉड रहेगा वही करूँगा मैं, जो बस वेस्टेज रहेगा ना, मतलब काइंड ऑफ जो यूज़फुल नहीं है वो मॉड नहीं करने वाला, जो एक्चुअल में बाइक के लिए काम के चीज़ है वही सब अपडेट करूँगा। तो आई होप आप लोग को भी वो अच्छा लगेगा और कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन पता चलेगी, तो आने वाले ब्लॉग में बने रहो।
बस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू एंजॉय डू लाइक शेयर कमेंट और अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। टिल देन दिस इज शहबाज साइनिंग ऑफ।